जुड़ जाओगे पता नहीं होगा। हेलो सारे भाई, राम राम है भाई, पूरे देशवासियों ने सब ने राम राम है। एक बार जुड़ जाओ, फिर एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, जो समाज में जो जहर बोला जा रहा है उस आदमी द्वारा, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बार सारे भाई जुड़ जाओ। सब तो पहला तो भाई दोबारा था, एक बार सारे देशवासियों ने राम राम हमारी तरफ से। और भाई जितने भी हमारे खाद चौधरी है, चाहे किसान संगठन है, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और जो हमारे कुश्ती के हमारे कोच है गुरु खलीफा, हम सबका सम्मान करते हैं। और जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उन सबका सम्मान करते हैं, वे हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत हजम नहीं होती, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने जो बोला कि भाई कुश्ती का काला दिन है, बोले ये ट्रायल एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई सी चीज नहीं लिख रखी भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट तो रहे कि भाई हम सह बिन्या अपनी बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था ना कि हमारी एक ट्रायल लीजिए जो फर्स्ट आओ उस गल्ला। हमारे तो वो लेटर है, अगर वो भाई ना पढ़ रहे हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे पहले भी आदरणीय थे, वो अब भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे, वो चाहे कुछ भी बोले चाहो, हम बोलना नहीं चाहो देखो, क्योंकि हमारे कोच खलीफा सब ना ट्रेन भाई आपस की लड़ाई नहीं है, या लड़ाई बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन मजबूरी में जब पानी सहित तो ऊपर चला गया तो हमने बोलना पड़ा। उस भाई को लेटर हम पढ़ा भी देंगे, आप लोग आते पढ़ा देंगे कि हमने उस लेटर में क्या चीज लिखी थी, जो बोल रहे एक ट्रायल जूनियर खिलाड़ियों का मारने की कोशिश। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे देश को आज बता देता हूँ, जो आज आवाज उठा रहे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त, 2010 एशियन गेम्स की बात बता देता हूँ। उनको इंजरी थी, एशियन गेम्स कितना बड़ा टूर्नामेंट होता है, अभी भी एशियन गेम्स का ही वो बोल रहे ना कि एक ट्रायल के लिए। तो जो सेकंड खिलाड़ी था उनको इंजरी होने के कारण उसने सेकंड ने पासपोर्ट दे दिया, जिसका नाम था रजनीश। उन्होंने क्या किया कि बोला मैं तो खेल लूंगा, सेकंड ने पासपोर्ट देने के बाद वो बोला मैं खेल लूंगा। लास्ट जब 10 दिन रह गए कि नाम चेंज नहीं हो सकता, तब बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने। 2012 के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2012 के बाद मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। 2012 के बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सीधी टीम भेजी गई थी। एक तो हमारे पहलवान जी जो बोल रहे हैं वो थे, दूसरे पहलवान का मैं नाम नहीं लूंगा कि भाई कौन था उनके साथ। ये दो आदमी रोज फेडरेशन में जाके बैठते थे कि बिना ट्रायल हमारी सिलेक्शन कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक के बाद 2013 में आपने कौन से तीर मार दिए थे कि आप बिना ट्रायल सिलेक्शन करवा लो। 2013 आपका खाली था, 14 में आपने कोई, 13 में नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेली, ना कोई टूर्नामेंट खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने डायरेक्ट सिलेक्शन करवा लिया। आप कल बोल रहे थे कि विनेश आपके क्या संबंध थे ब्रजभूषण के फेडरेशन के साथ, कितने अच्छे तालमेल थे मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तीन खिलाड़ी बैठे हैं आज तक बिना ट्रायल के कोई भी टूर्नामेंट में नहीं जाने देते। वो संबंध आपके ही दिख रहे हैं, जो 2014 में बिना ट्रायल के, 13 में आपका खाली था, 14 में आपने एशियन चैंपियनशिप नहीं खेली, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में नाम डाला, ना कोई परफॉर्मेंस थी आपकी, एशियन गेम्स में आपका सीधा नाम डाला,
2000 और सबसे बड़ा जो आपने देश के साथ गद्दारी की 2015 में, उस चीज के मेरे पास प्रूफ है। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफाई का बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस चैंपियनशिप में पहलवान जी आप एक महीना पहले सर्जरी करवाई थी एसीएल की आपने, मेरे पास प्रूफ है उस चीज के, उस समय मैं आपके साथ रहता था। अगर आप बोलोगे तो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे उस चीज को कि भाई आप दिखा दीजिए। आपने उस समय पूरा देश आज देख सकता कि इंडिया की एंट्री उस समय हुई थी या नहीं हुई थी। जो सेकंड था उस समय वो अमित धनखड़ था। अमित धनखड़ अगर उस समय जाता क्या पता क्वालिफाई हो जाता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ जाता। आपने इंजरी के कारण ना तो वो चैंपियनशिप खेली ना उसमें आपने वेट दिखाया, नहीं वेट उसमें दिया आपने। ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी थी। अगर वहां पे हमारा क्वालिफाई होता 2015 की बात है, और आप बोल रहे कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज उठाता हूँ। 2012 में लड़की जूनियर लड़कियों के कैंप में घटना हुई थी, आपने उन जूनियर खिलाड़ियों के बारे में कोई आवाज उठाई, कोई ट्वीट किया आपने? 2014 में भी एक जूनियर कैंप की ही बात थी, उसमें आपने कोई आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाई। 2018 में जूनियर खिलाड़ियों का कैश अवार्ड का जो लड़ाई थी, आप तो सरकार में थे, कैश अवार्ड की लड़ाई थी, किसी खिलाड़ी के पक्ष में आपने बोला कि ये कैडेट जूनियर के बच्चे इनको पैसे मिलने चाहिए, इनका हक सम्मान मिलना चाहिए इनको, आपने कोई ट्वीट किया? आज आप समाज के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हैं कि भाई खा पंचायतें कहां गई, किसान संगठन कहां गए? आपने आपने हमेशा किसान, चाहे वो किसान की बात थी, आप हमेशा अगेंस्ट खड़े रहे हैं। कोई ट्वीट आपने किया किसानों के हक में? कोई ट्वीट आपने किया किसी भी समाज के कार्य के हक में? सिर्फ आपने अपनी राजनीति करी है। वो राजनीति है ना, फूट डालो राज करो। पहले आप एक खिलाड़ी थे, आज आप एक राजनेता हो रहे हैं। आपने आवाज जब ये बेट किया 28 तारीख को जब वो घटना हुई, तो बेटियों को रोड पर रोंदा जा रहा तिरंगे के साथ, आप अपने आप को बड़ा देशभक्त बताते हैं, आपने आवाज नहीं उठाई जब इन बेटियों की इज्जत और सम्मान नहीं दिखाई दी आपने। और मैं बता दूं कि जैसे एक न्यूज़पेपर में भी पूरी बयान छपे थे लड़कियों के साथ, लड़कियों के सेम बयान जब ये कमेटी में थे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, तो सेम बयान लड़कियों ने वहां जाके भी ये सारे बयान दिए थे, और जिस बयानों के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट करी है। वहां बयान देने के बाद भी आप ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला? ब्रिजभूषण तो क्लीन चिट में है, उसको कोई लड़की ने प्रॉपर बयान दिए ही नहीं जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट की है। तो आप कहां ये बात कर सकते हो कि मैं लड़कियों के फेवर में हूँ, मैं अपनी बेटी, मैं अपनी कुश्ती की जो पहलवान बेटियां हैं उनके फेवर में हूँ? मुझे तो नहीं लगता फेवर में हूँ। अगर फेवर में होते तो आप जब लड़कियों ने बयान दिए तो बाहर आके खुल के बोलते कि गलत हुआ है और ब्रिजभूषण गलत है, गलत हुआ है, खुल के आवाज उठानी चाहिए थी आपको। और कल की आपकी वीडियो के बाद जो समाज में आप बिल्कुल गलत फैला रहे हो, हम तीनों के लिए, जो भी हम धरने पर बैठे थे उनके लिए, कि हम ट्रायल्स से बचते हैं और हम बचना चाहते हैं, हमें एक ट्रायल देना चाहते हैं। हमने नहीं लिखा कोई भी लेटर ऐसा कि हमें एक ट्रायल देनी है। मैं बता दूं, ना ही आज तक हमने किसी का हक मारा है, ना ही हम मारेंगे, और ना ही वो हक मार के वो मेडल हमें अपने पास रखना। हमने ईमानदारी से कुश्ती करी है और ईमानदारी से ही इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं। जो ईमानदारी से करता वही इतनी ऊपर तक पहुंच पाता है। कभी हक नहीं मारा हमने, हमने सिर्फ ये बोला था कि हमें समय दो, हमें कुछ दिन का समय दो, हमारी ट्रायल्स ले लो, क्योंकि हमें 6 महीने हम कुश्ती से दूर थे, लड़ाई लड़ रहे थे बेटियों के लिए, सिर्फ समय मांगा था कि ट्रायल चाहे सब की एक साथ लो, हमने सिर्फ समय मांगा था। और आप गलत फैला रहे हो। और आप ये बोल रहे थे कि समाज में कि हमारे खाप चौधरी हैं, क्यों नहीं बोलते, उनको भ्रमित कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी खाप चौधरी हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो अपने बाल सफेद किए वो धूप में नहीं किए हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है, उनको सच्चाई का और झूठ का पता है, उनको हमारी नजरों में, उनको हमारी भावनाओं में कुछ सच्चाई दिखी थी। इसलिए पूरा देश, पूरा जंतर मंतर पे जब हम बैठे थे ना, तो रोते थे हमारे पास आके हमारे बड़े लोग, दुख होता था हमें कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। उनका दुख देखते हमें दुख होता था कि वो हम उन लोगों को कितना दुखी कर रहे हैं, और आप उनको आज गलत ठहरा रहे हो कि वो गलत के साथ में थे।
और आप जो ये बात कर रहे हो कि जो लड़कियां थी कमेटी में और जो उनकी फैमिली को आप आके बोलते थे, क्या प्रूफ दूं? मेरे पास खुद स्क्रीनशॉट है, आपके भाई ने फोन किया एक लड़की के हस्बैंड को कि आपकी वाइफ ऐसे ऐसे कमेटी में आज बयान देने गई हुई है, जबकि जब कमेटी में जब आप अंदर थे तो एक कॉन्फिडेंस लेटर साइन किया हुआ था कि कोई भी कमेटी की बार बाहर नहीं बताएगा, जो भी बताएगा उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और रही एक्शन की बात, मैंने खुद अपने मेल से पर्सनली, बजरंग ने, साक्षी ने अपने मेल से पर्सनली मेल किया था पूरी कमेटी को, सोशल मीडिया पे हमने डाला था कि योगेश्वर दत्त जी ने बयान लीक किए हैं, योगेश्वर जी लड़कियों के बयान बाहर आउट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खेल मंत्री जी ने बचाया है, किसने बचाया है, उन्होंने आपके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया। हम देश को दिखाना चाहते थे कि कितना हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। और कमेटी में जब उस जब हमने आपको ये बात बताई थी कि आपके ब्रदर ने ऐसे ऐसे, पूरी कमेटी के सामने हमने बात बताई थी कि आपके ब्रदर ने ऐसे ऐसे एक लड़की को फोन किया है और आप बात आउट कर रहे हो, तभी आपने इतनी बदतमीजी से बात की थी हमसे, लड़कियों से। आपने तभी कैमरा क्यों ऑफ करवा दिया था जब वो कैमरा ऑन था? जब आप हमारे साथ में बदतमीजी करने लगे, आपने कैमरामैन को क्यों बोल के कैमरा बंद करवाया कि कैमरा बंद करो? आप ऑन कैमरा में बोलते हो, पूरे देश को दिखाते हो कि आप कितने सभ्य तरीके से लड़कियों के साथ में पेश होते हो। और मैं बोलना चाहूंगी, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं जो आपके समर्थक हैं कि हम खत्म हो चुके हैं, मान लिया हम खत्म हो चुके हैं, तो हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ना ही हमें फेडरेशन चाहिए। अब तक जितना पैसा आता था डायरेक्ट फेडरेशन में आता था, ना ही हमारे पास वो पैसा पहुंचता था जो टाटा मोटर्स ने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ था, हमने कोई पैसा नहीं मिला। हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि जो आगे आने वाले जो रेसलर्स हैं, यंग रेसलर्स हैं, उनको डायरेक्ट लीग मिले, डायरेक्ट स्पॉन्सर्स मिले, जो आज तक फेडरेशन में जाता था जिसका सारा पैसा, कि डायरेक्ट जो अच्छा खिलाड़ी है उस तक जो कंपनीज पहुंच सके, जो ब्रिजभूषण ने कभी डायरेक्टली पहुंचने नहीं दी। तो हम लड़ाई आगे आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जो कई साल से हम झेल रहे थे। और एक चीज आपका ही बयान है कि ये चीजें हमने सुनी है, ट्विटर पे डाल रखा वो चीज कि ये चीज हमने सुनी है, सुनी थी तो आप एनबीटीओ के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अगर आप कुश्ती के इतने बड़े देशी हैं, आप खुद बोल रहे कि ये चीजें शोषण होता है, ये हमने सुना था। आपने बोल दिया कि विनेश ने पहले ब्रजभूषण जी को क्यों नहीं बताया? अरे जो शोषण कर रहा है उसी को जाके बताया गया। अगर आप उस समय विनेश को बोल रहे थे, अगर आज आप सोशल मीडिया में अगर ये समाज में जहर घोलने का काम ना करते, अगर ये सोचते तो आप खेल मंत्री के पास जाते कि भाई इन बच्चों की एक ट्रायल क्यों है? आप खुद बोल रहे हैं कि आप विनेश ने ब्रजभूषण के पास जो शोषण करा उसी के पास जाके बोले कि भाई वो आदमी हमारा शोषण कर रहा, आप बचाओ। तो आप खेल मंत्री जी के पास जाते ना कि भाई इनकी एक ट्रायल किस बेस पे ली है, क्या परफॉर्मेंस है? लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहे हो। रही बात ट्रायल की, अगर वो लेटर दिखा देंगे भरी पंचायत में, पूरे देश के सामने सोशल मीडिया पे डाल देंगे। रही बात एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स तो जानिए आगे ओलंपिक है, गेम छोड़ देंगे अगर हमारे बड़े बोलेंगे कि भाई आपने गलत किया ये चीज। वो लेटर देख के अगर गलत किया है तो गेम छोड़ देंगे, एक ट्रायल के लिए हमने बोला हो तो। और बार बार बोल रहे हैं कि साल से ऊपर हो गया, परफॉर्मेंस नहीं है और ये खत्म हो चुके हैं। तीनों लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, तीनों के तीनों, और साल भी नहीं हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स पूरा हुए, उसमें भी दो तीन महीने बाकी हैं और उड़ा रहे हैं कि हम खत्म हो चुके हैं। आज भी जो वर्ल्ड रैंकिंग है टॉप 8 में है मैं और विनेश, आज तक आपने टॉप 8 में, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं वैसे नहीं बोलना चाहूंगा, अगर टॉप 8 में आप कभी भी आए हो, टॉप 10 में भी आए हो तो आप बता दीजिए। हम एक साल से आप बोल रहे हो कि दूर है, हम बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप से साल दो ही मेडल आए थे, एक विनेश का एक मेरा था, और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो बता दिया साक्षी ने तीनों गोल्ड थे। लेकिन ये लड़ाई हमारी आपके साथ नहीं है, जिसको आप बचा रहे हो ना, जो उसके साथ है और उसको बचने नहीं देंगे, और चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे आप बोल रहे हो कि हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, रियो ओलंपिक में आप भी साथ थे, क्वालिफिकेशन से 4 दिन पहले मेरी दोबारा ट्रायल हुई वहां पे बुल्गारिया में, जब आपने आवाज जब क्यों नहीं आवाज उठाई कि मैं इंडिया में सब लड़कियों को हरा के गई हूँ, प्रॉपर ट्रायल से हरा के गई हूँ, और क्वालिफिकेशन से 4 दिन पहले मैंने पूरा वजन घटाया हुआ था, मेरी दोबारा दूसरे देश में ट्रायल लेने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि उस टाइम क्यों नहीं बोले आप? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, देश की जनता बहुत समझदार है, ब्रिजभूषण जिस पार्टी से है
जो दो पहलवान हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, योगेश्वर पहलवान जी और बबीता फोगाट जी, जो हम पे कांग्रेस का थप्पा लगा रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं और हमें इस पार्टी ने बिठाया है, हमको टिकट चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारी लड़ाई सिर्फ एक मकसद की थी, बेटियों की न्याय की लड़ाई। और जो आप हाथ धो के पीछे पड़े हो, किसानों को खालिस्तानी बोलना, समाज के किसी भी वर्ग ने अगर आवाज उठाई तो उनके अपोजिट बोलना, ये कौन सा आप न्याय कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप रूलिंग पार्टी में हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको हक है सब कुछ बोलने का। तो बिना काम के इल्जाम एलिगेशंस ना लगाए जाए। हमारी लड़ाई आज भी सेम ही है कि हम बेटियों के न्याय के लिए हैं, कि उनको न्याय मिले। और रही बात ट्रायल्स की, इस ट्रायल्स की, आगे आने वाले ओलंपिक के ट्रायल्स की, किसी भी ट्रायल्स की, न्याय मिलना चाहिए हमें, लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप शायद भूल गए हैं, जब आपको दूसरी बार बड़ौदा से टिकट लेने के लिए, जब पूरे कुश्ती जगत को, आप जब मुख्यमंत्री जी आपको टिकट नहीं दे रहे थे, पूरे कुश्ती जगत को आप लेके गए थे कि मेरे को टिकट दिलवाओ, पूरा कुश्ती जगत गया था आपके साथ टिकट लेने के लिए, उसमें साक्षी भी शामिल, स्पेशल फोन आया था आपका कि मेरे को मुख्यमंत्री से मिलवाना है, पूरा कुश्ती जगत आपको टिकट इसलिए दिलवा के लाया था कि कल को कुश्ती की भलाई के लिए, बाकी जो भी खेल है, जितने भी कुछ गेम करने वाले बच्चे हैं, अगर अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो कुछ ना कुछ भला करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप अपने गुरु ब्रज भूषण का इतना भला कर दोगे कि 6 महीने तक खून के आंसू में रोने पड़ जाएंगे। रोड पे बैठे 6 महीने से हम, हमारा परिवार सर्वाइव कर रहा है, ये नहीं पता किस लड़की के साथ में या किस लड़के के साथ में क्या घटना हो जाए, हमारा परिवार बर्बादी के कगार पे खड़ा है, लेकिन आज भी हम लड़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं इतने कमजोर दिल के नहीं है, दिल खोल के तो लड़े थे और दिल खोल के इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। कितना भी जोर लगा लो, 6 महीने से आपने पूरी ताकत लगा दी, आपके खेल मंत्री जी से मिलकर आपने जितने षड्यंत्र रचे हैं वो पूरे देश को पता है और पूरा देश समझता भी है, जानता भी है। आपके गुरु ब्रजभूषण को बचने नहीं देंगे, जब तक वो जेल में नहीं चला जाता है, जब तक उसने जो कुकर्म किए हैं, लड़कियों का शोषण किया है, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम मर जाएं, उसको तो जेल में हम डालेंगे। आप ये बात याद रखना हमारी, उसको बचाने की हर संभव कोशिश कर लो आप, उसको नहीं छोड़ेंगे हम कैसे भी। जो आप उसको बचाने के लिए जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हो ना, एक भी षड्यंत्र हम सक्सेसफुल होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी दाव पे लगना पड़ जाए। सिर्फ हमने ट्रायल्स का समय मांगा था कि थोड़ा समय दे दो, लेकिन वो बात घुमा के क्या पेश करी आपने जनता के सामने, कितने कुश्ती जगत में आपने नेगेटिविटी फैलाई है, और आप कुश्ती का भला चाह रहे हो। तो एक चीज और मैं बता दूं, आपके गांव का ही है एक पहलवान, सब जूनियर के पैसे मांग रहा था, वो आपने उसके लिए भी आवाज उठाई, आपके गांव से है वो, आपके पास भी गया, आप तो सरकार में आपका हाथ था, आपने क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि वो सब जूनियर है, बिल्कुल गरीब घर से था, मध्यम परिवार से था, और उसको लेकर आप एक बार सीएम साहब के पास जाते कि भाई इस बच्चे के ये मेडल है और इसके ये इसकी जो अवार्ड मनी है ये है, वो आपने क्यों नहीं दिया? वो देना चाहिए था ना आपने, क्यों नहीं गया? आपने कोई ट्वीट किया हो? आप ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले मैंने खुद आपके पास कॉल किया था कि पहलवान जी ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कुश्ती जगत की बेटियों की बहनों की लड़ाई है, जो शोषण हो रहा है उसकी लड़ाई है, आप साथ दीजिए। आपने मुझे ये बोला कि बेटा मैं साथ हूँ आप लोगों के, आपने ये साथ दिया कि आप जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा आप उसी की साइड लेके आप उसको बचाव करोगे, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जो आज आप समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं ना, इसे देख के और मतलब खुद पे शर्म आ रही है कि हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसी हरकत कर सकता है। तो ये सारी बातें थी। और आपको मैं बता दूं, कल एक दो चीज लेके आपने स्पेशल मेरा नाम लेके बोली थी, 2017 के जो आप एक गेम्स की बात कर रहे थे कि गेम्स में विनेश नहीं गई थी, उसकी जगह किसी और लड़की को डाल दिया गया था। हाँ मैं नहीं गई थी, लेकिन उसका कारण क्या था, कमेटी में जब आप बैठे थे मैंने विद मेडिकल प्रूफ आपको दिया था कि 2017 में मैं मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी, मेरे को हेड इंजरी हो गया था, कंकशन, शायद आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, शायद आपको वो इंजरी हुई नहीं है, कभी आप समझ नहीं सकते उसका दर्द, मैं उस तकलीफ से गुजरी हूँ, वो इंजरी मेरे को हो गई थी, मेरी लाइफ खतरे में थी, मैंने पूरा विद मेडिकल प्रूफ कमेटी को दिखाया था कि मैं इस रीजन से नहीं खेली थी। फेडरेशन को मैंने बकायदा ईमेल भी किया था 20 दिन पहले कि मैं नहीं खेल सकती, मेरे को इंजरी हो गई है, आज भी मैं उस इंजरी के कारण मेरे को बहुत बार सिम्टम्स आते हैं और मैं उसको सर्वाइव करती हूँ। रही 2020 की बात, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में 2021 में जब ब्रजभूषण जब मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा था मेंटली, मैं खुद कुछ ही तक करने को वो रही थी कि मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तब कहाँ गया वो?
उस कुश्ती की भलाई में आपने क्यों नहीं देखा कि इतने अच्छे खिलाड़ी की एक जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों नहीं आपने बात की, क्यों नहीं आपने ट्वीट किया कि बलभूषण गलत कर रहा है? क्या बलभूषण उस दिन सही था जब मेरे कोच को वो चोर बोल रहा था? जो कोच पूरा जो दूसरे देश से हम किसी कोच को ले जाते उसको मान सम्मान देते हैं, अतिथि को देवो भव करते हम, उस अतिथि को गालियां देके देश से भेजा गया था। हमारे देश की क्या इमेज बनी थी उसकी नजरों में? तब आपके मुंह से एक बेवाज निकली थी, तब कहां थे आप कुश्ती की भलाई करने वाले? और कल आपने एक और बात बोली कि एक प्रकाश कोच है, ओम प्रकाश कोच है, और जिस पति देव की आप बात कर रहे हो, हाँ मेरे पति देव जिन्होंने मेरी कुश्ती में इतना बड़ा योगदान दिया है, उस पति देव ने इतना बड़ा योगदान दिया है जितना मेरी फैमिली ने दिया, उनका उतना याद रहा हमेशा, और मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पति देव के साथ मेरी शादी हुई है और परमात्मा ने उनको मेरे से मिलवाया है। उस कोच ने मेहनत की है, उसका पैसा उनको मिला है, और आपने गलती कर दी, 25 लाख नहीं थे वो, 35 लाख रुपए मिले थे, और वो आपकी सरकार ने दिए थे, सरकार से बात पूछिए क्यों दिए थे। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं, उसी कोच को द्रोणाचार्य का लाइफ टाइम अवार्ड मिला हुआ है। लाइफ टाइम मिलने का मतलब आप जानते हो क्या होता है? कि उसने कम से कम 100 बच्चे ऐसे इंटरनेशनल पैदा किए होंगे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, इसलिए द्रोणाचार्य को लाइफ टाइम अवार्ड में देते हैं, या कहीं विदेश ने कोई उनको अवार्ड नहीं दिलवाया। तो जो भी बात बोले थोड़ा सा अदब से, थोड़ा सा आप शब्दों की मर्यादा की बात करे थे ना, इतने बड़े कोच थे, आपने तो पूरा नाम भी नहीं लिया, ओम प्रकाश दिया नाम उनका, और बहुत सम्मानित कोच है, और मामा नहीं लगते हो, वो हमारे कोई रिलेशन में नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो जाके पूछ लेनी है, जितने भी ग्रीको रोमन जो रेसलिंग करते हैं ना, उन लड़कों से जाके पूछ लेना कितने लड़कों को उन्होंने सक्सेस किया है। और कल आप एक और बात बोल रहे थे कि रेलवे में कुछ मलाईदार पोस्ट मिल गई, मैंने अपना हक लिया है, और मेरा सिर्फ पोस्टिंग हुआ है, कोई ऐसा कोई मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, मेरे को एक दूसरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किया है, इतना किया गया है, और कुछ भी नहीं मिला मेरे को। वही है विनेश को जो दिल्ली डिवीजन से लेके बड़ौदा हाउस लेके आया गया, वो पोस्टिंग हुई है, उसको मलाईदार पोस्ट बोल रहे हो, मलाईदार पे आप जाके बैठ जाते हो, मलाईदार तो आपको भी दे रखी थी, लेकिन वो आपको आपने जो नौकरी छोड़ी थी ना, आपने तो राजनीति के लिए टिकट पाने के लिए अपने लालच के लिए छोड़ी थी, आज आप बोल के दिखाओ आज नौकरी छोड़ दूंगी सिर्फ इसके लिए कि हमें न्याय चाहिए, जिस कुश्ती की भलाई के लिए हम लड़ रहे थे उसमें हमें न्याय चाहिए, आप दिला सकते हो तो सामने आओ। अगर आप पहले तो बोल रहे थे मेरे को पता नहीं था, आप तो 6 लड़कियों ने FIR की थी, 7 लड़कियों ने की थी, 1 लड़की तो आप लोगों ने जैसे भी उसको तोड़ा है डराया हमें नहीं पता, लेकिन 6 लड़कियों की जो FIR की थी उसके ऊपर 1.5 महीने तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करके चार्जशीट में बलभूषण को दोषी करार दिया गया है, आपके गुरु बलभूषण को दोषी करार दिया है पुलिस ने, और चार्जशीट में ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं जो महिलाओं के प्रति जो बहुत संगीन धाराएं होती है उसमें चार्जशीट में दोषी करार दिया गया है। तो जितनी भी कोशिश कर लो बलभूषण नहीं बचेगा। और जो मैं बता रहा 2014 में बोला कि उन्होंने कल बोला कि 1 नंबर की टीम भेजी गई थी, आप कौन से नंबर पे थे? आप तो किसी नंबर में नहीं थे, क्योंकि 2012 में जब आप ओलंपिक जीते थे 60 किलो में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद आप 13 में जो अमित धनखड़ था उसने 66 किलो में गोल्ड जीता था एशिया चैंपियनशिप में, उसके बाद वो नेशनल चैंपियन भी बना था, लेकिन 2014 में तो आप भेज दिए 65 किलो में, आपका तो वेट भी नहीं था, वो क्यों भेज दिया आपको सीधा? उसका आप रीजन बता दीजिए, आप कौन सा नंबर एक बोल रहे हो कि मैं नंबर वन था उस चीज में, नंबर वन टीम भेजी गई थी, आप बता दीजिए। आप बलभूषण आप इतने मेहरबान क्यों? देखिए भाई आपकी हर बार 2013 में एक चीज और बता देता हूँ मैं, फेडरेशन ने रूल निकाला था, कोचिज ने बोला था कि भाई यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है वो निकलेगा ट्रायल में, आपने जब भी बलभूषण के पास कॉल कर दिया था कि मेरे हिसाब से ग्रुप डलवाओ, और आप बोले कि जूनियर बच्चों का हक हम मार रहे हैं। अरे पहलवान जी कुछ सोच समझ के तो बोलते हैं आप, आपकी कुश्ती जगत में बड़ी रिस्पेक्ट करते थे बच्चे, लेकिन आपने जब से आप राजनेता बने हैं आपने अपनी इमेज ऐसी कर दी है कि भाई हमें बोलते हुए भी शर्म आई कि हमारे खिलाड़ी हैं, आप हमारे आदरणीय थे आदरणीय हो। जब आप ओवरसाइट कमेटी में बैठे थे ना तभी एक कोच का फोन आया था आपके पास में कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं जो खेल सकते हैं जिनके अच्छे मेडल रहे हैं उनकी ट्रायल करवा दो, 4 दिन तक वो कोच आगे पीछे घूमता रहा, आपने फोन स्विच ऑफ कर लिया था, बातचीत भी नहीं की थी उन्होंने, फिर कोर्ट में केस किया, फिर वो बच्चे खेले, फिर उन लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ, ऐसे न्याय करते हो बच्चों के साथ में? और ओवरसाइट कमेटी में ही रहते हुए जब लड़कियों ने आपके सामने बयान दिए थे आप बाहर आके पब्लिकली क्या बोलते हैं सोर्सेज बन के, या आपके कोच ने स्टिंग ऑपरेशन
ऑपरेशन हुआ था उसमें बोला था कि लड़कियों के पास तो कुछ नहीं मिला, किसी लड़की को ना हाथ लगा दिया पद्मभूषण ने, आपको पता है सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, 10 सेकंड तक 7 सेकंड तक किसी लड़की को घूर भी लिया ना वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। किसी लड़की, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा आपने कि लड़कियों ने क्या क्या कंप्लेंट्स में दे रखे हैं बयान, शायद आप इंग्लिश का पेपर पढ़ भी नहीं सकते हो क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कभी स्कूल गए भी होंगे, क्योंकि तो उसमें लड़कियों ने लिख रखा था कि जबरदस्ती रूम में बुला के गले लगा लेते थे, लड़कियों को छूते थे गलत तरीके से अकेले रूम में बुला के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती फोटो लेते थे पब्लिकली भी, ऐसे ऐसे काम करते थे आपके गुरु। और उसी के बिहाफ पे जिस चीज का प्रूफ, वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ मांग रहे हो ना, उसी ऑडियो प्रूफ वीडियो प्रूफ के बिहाफ पे चार्जशीट में दोषी करार दिया गया उनको। तो जो भी चीज है तथ्यों के आधार पे बोल दिया आप, ऐसे झूठे भ्रमित बातें ना फैलाए हमारे समाज में, शोभा नहीं देती। आप जैसे एथलीट को हम आपको आदर्श मानते थे जब आप सीनियर खिलाड़ी थे ना, मेरे को खुद याद है रियो ओलंपिक से पहले मैं छोटी सी बच्ची थी, कुश्ती सीख रही थी, मैं आपके पास आगे बैठती थी पहलवान जी कुछ खाने का बता दो मैं अच्छी पहलवान बन जाऊं, आप कितनी रिस्पेक्ट करते थे हम। लेकिन आपने जब हम मुसीबत के टाइम खड़े हुए ना, आप एक सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं लगा कि वो बच्ची आज मुसीबत में रो रही है, आपको एक सेकंड के लिए भी हमारे आंसू में वो दर्द नहीं दिखा। आप कुश्ती करते हो, आपने कोई कबड्डी नहीं खेली, आपको एक एक बात का पता है ब्रजभूषण कैसा आदमी है, एक एक बात का, हर कुश्ती जगत में जितने भी लोग हैं छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़ा से बड़ा सबको पता है ब्रजभूषण कैसा था और कैसा है। लेकिन आपने फिर भी उसको बचाने के लिए, मैं बताती हूँ क्या रीजन था बचाने का, जब ओवरसाइट कमेटी में थे ना आप, तब भी आप छिपके ब्रजभूषण से मिले हो, ब्रजभूषण ने आपको लालच दे रखा होगा कि मैं आपको अध्यक्ष बना दूंगा, आपको अपने लालच में वो दी गया कि मेरे को अध्यक्ष बना देगा तो मैं इसको बचा लूं कैसे भी करके। आपको थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी लाज नहीं आई कि हम, मैं लड़कियों के साथ में इतनी गद्दारी करके, कुश्ती जगत के साथ में इतनी गद्दारी करके, मैं और आप बोल रहे हो कि मैं लालची नहीं हूं पद का, आप अभी लालच में कर रहे हो, अब भी जो आप ये बोल रहे हो ना, आप कुश्ती, आपको तो गर्व होना चाहिए कि जिस कुश्ती जगत को इतने साल लग गए इकट्ठा होने में और पूरा कुश्ती जगत आज एक पेज के ऊपर बैठा है, एक जगह पे बैठा है, अन्याय के खिलाफ में लड़ रहा है, उस कुश्ती जगत को आप तोड़ने का काम कर रहे हो। आपको मेरे ख्याल से बात हजम नहीं होती कि पूरा कुश्ती जगत एक साथ कैसे हो गया, क्योंकि फिर आप जैसे लोग फूट डालो राज करो वाले नीति अपना नहीं सकते ना, इसलिए आप अपना पूरा कोशिश कर रहे हो कि कैसे कुश्ती जगत को तोड़ा जाए और कैसे मेरे जैसे लोग अंदर बैठ जाए और फिर मैं अपने हिसाब से कुश्ती को चलाऊं, लेकिन आपकी वो सक्सेस नहीं होने देंगे हम। और एक बात आपने कल बोली थी कि भाई धरने पे मुझे भी बुला रहे थे, किसने बुला लिया आपको धरने पे? आपने तो शुरू वाले दिन ही खिलाफ बोल दिया था खिलाड़ियों के कि ये गलत बैठे हैं, इन्होंने पहले ब्रजभूषण से बात करनी चाहिए थी, हमने तो नहीं बुलाया आपको धरने पे। अगर आप में इंसानियत, थोड़ी सी भी इंसानियत बच्ची होती तो आप लड़कियों से आगे पूछते कि बेटा क्या बात है मुझे बताओ, पता सबको है, मैंने आपको कमेटी में बोला था, आंख बंद करने से ये नहीं है कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं आपके साथ रहता था, पता मुझे भी है, पता आपको भी था क्योंकि आप मेरे से भी बड़े थे, आपको भी पता था कि लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, घटनाएं, और आपका एक खुद बयान है ट्विटर पे डाल रखा है मैंने, आप देख लिया कि आपने बोल रखा कि ये चीजें मैंने सुनी थी। लेकिन आज आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल के नाम पे जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का मकसद यही था, हमारा मकसद एक ही है, लड़कियों को न्याय मिले, भारतीय बेटियों को न्याय मिले, और वो मकसद हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो आप ये समाज में जब तक ब्रजभूषण जेल में नहीं चला जाता हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आपकी दम तक। तो आप समाज में इतने बड़े ठेकेदार ना बने, आप पंचायत कर लीजिए, हम आएंगे पंचायत में, अगर आपके बोलने से पंचायत, मुझे नहीं लगता कि आ जाएगी पंचायत, क्योंकि आप कभी समाज के साथ खड़े नहीं हुए हैं कि भाई आपके बुलाने से, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे पंचायत जितने भी संगठन है सबसे रिक्वेस्ट कर लेंगे और जो लेटर हमें दिया वो पढ़ा देंगे कि भाई ये हमारा लेटर है, थोड़ी सी भी अगर हमारे में कमी निकल जाएगी हम उसी दिन, अगर हमारे बड़े बोलेंगे कुश्ती को छोड़ दो, ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, कुश्ती को ही छोड़ देंगे। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, कल आप बोल रहे थे कि विनेश ने जबरदस्ती कर ली, मैं ना तो ब्रजभूषण जैसी गुंडी हूँ कि मैं गुंडागर्दी करती हूँ या मैंने कोई प्रेशर में कर लिया, ना मैं आपके जैसे कोई राजनीतिक पार्टी में बैठी हूँ कि मैं पावरफुल जगह पे बैठी हूँ और मैं किसी को भी दबाव प्रेशर दे सकती हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, नॉर्मल खिलाड़ी हूँ जिसको खुद को, जिनको खुद को न्याय नहीं मिल रहा वो किसको प्रेशर दे देंगे। पूरा कुश्ती जगत खुद आया था, पूरे जंतर मंतर पे पूरे देश ने देखा था, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, सब अपनी मर्जी से आए थे। और दूसरी टाइम जब कोई नहीं आया था तो वो सिर्फ आप लोगों की कमी के कारण, आप लोग, आपने खुद ने डराया लोगों को कि ब्रजभूषण का कुछ नहीं हो सकता,
इसका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसके लिए तुम क्यों दर दर भटके हो, अपना ट्रेनिंग करो, ये तो पागल है। आपके ये बयान थे, भरत भूषण जैसे गुंडे ने उनको डराया था, सबको ये हो गया कि भरत भूषण का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपना क्यों खराब करें। तो कुछ एथलीट भी ऐसे भी थे बहुत सारे जो जॉब पे थे, आप जैसे लोगों ने प्रेशर दिलवाया वहां से कि उनकी जॉब छूट जाएगी, सब लोग आपको भी पता है कितने खिलाड़ी कितने गरीब परिवार से आते हैं, उनको नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, सब लोग ओलंपिक में मेडल नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी करके अपना परिवार का पेट पालते हैं, इतने साल तक संघर्ष करके उनकी नौकरी दांव पे लगवा दी आप लोगों ने। हर कोई हमारी भावनाओं के साथ में खड़ा था, हर कोई मैसेज करके फोन करके मैं बोलता कि भाई हमारी मजबूरी है नहीं आ सकते, लेकिन दिल से साथ खड़े हैं, मरने कटने के लिए तैयार हैं, आपके साथ में क्यों नहीं खड़े हुए फिर वो लोग। आप जो जहर घोलने का काम करो हमेशा, आप ही के वो आप हमेशा सरदार वो मतलब झंडा उठा के सबसे आगे पैरवी क्यों करते हो ऐसी जगह पे, कोई अच्छाई की जगह पे आप समाज के लिए खड़ा होकर देखे, फिर देखे आपकी कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाए क्योंकि आपने जो भी इज्जत थी वो अपनी गवा चुके हो आप। और एक चीज और मैं बता दूं, आप बोले कि जूनियर खिलाड़ियों का मैं हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके साथ ही रहता था, प्रो रेसलिंग लीग में आपकी मेरी कुश्ती आई थी, आपने मुझसे ये बोला था कि बेटा कैसे कुश्ती लड़ेगा, तब मैंने आपसे बोला था जैसे आप बोलोगे वैसे लड़ूंगा, तब आपने बोला था कि तीन तीन से लड़ लेंगे। एक कुश्ती मेरी आपके साथ इटली भी आई थी फाइनल कुश्ती टूर्नामेंट में, आपने एक बार भी सोचा कि इस बच्चे का भला हो जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा तो इसका हौसला बढ़ेगा, ये जूनियर है, आपने तभी बोल दिया कि मैं फर्स्ट हूँ आप सेकंड हो। तो आप इस जूनियर की सीनियर की ये जो आप जो लोगों में जहर घोल रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आप पे बोलना नहीं चाहते थे पर मजबूरी में हमें बोलना पड़ा, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये भ्रम न फैलाएं जनता में, और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं। मैं एक और बता देती हूं उसी के रिगार्डिंग, रियो ओलंपिक्स में हम भी थे, दो घंटे तक आपके घुटने भी वार्म अप नहीं होते थे, ऐसे आपकी इंजरी की हालत हो रखी थी, लेकिन फिर भी आपने बजरंग हो चाहे अमित धनखड़ हो चाहे रजनीश हो, इन लड़कों का हक मार के आपने रियो ओलंपिक्स में गए थे, ना कि आप अपने अपने दम पे नहीं गए थे, आपने सबको भिड़वा दिया और फिर आपने ये देखा कि हाँ कि अब मैं जा सकता हूँ। जब आप रियो ओलंपिक्स में गए थे क्या रहा रिजल्ट, आपने इन बच्चों का हक मारा था, हम आपकी तरह हक नहीं मारते, हमने हमेशा ईमानदारी की कुश्ती लड़ी है, कभी हमने आपकी तरह ग्रुप नहीं डलवाए, हमने जिस जैसे भी ग्रुप डले हैं वैसे हमने कुश्ती लड़ी है, इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, आठ आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ मैं, आठ बार नेशनल खेलू मैं सीनियर का और आठों में गोल्ड आया मेरा, अभी दो तीन साल से क्यों नहीं खेली, बहुत सारे लोगों ने आके बोला मेरे को कि बेटा तू क्यों खेलती तेरे को क्या किस चीज की कमी है, इस नेशनल मेडल के ऊपर बहुत सारी लड़कियों की जॉब लग जाएगी तो तू तो इंटरनेशनल खेल लेना कोई भी, मेरा रीजन था छोड़ने का कि मैं क्यों किसी का हक मारूं, ठीक है मेरा इतने हो गए हैं और मैं इंटरनेशनल खेलूंगी किसी और लड़की का भला हो जाएगा। उसके बाद में हुआ भी है, बहुत सारी लड़कियां दो तीन साल में जो मैं नेशनल नहीं खेली हूँ उन लड़कियों के मेडल आए हैं, वो जॉब पे लगी है, कोई रेलवे में लगी है, कोई हरियाणा में लगी है। तो ये बोलना कि हम खेले नहीं है, नेशनल से खेलने से डरते हैं, ट्रायल खेलने से डरते हैं, कभी नहीं डरते। एक चीज और बता दूं, 16 के बाद तो आपने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, 18 में आप आए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल लेता हूं, बजरंग एशियन गेम्स तो खेल लेना, तब मैंने बोला था कि मैं काटा कुश्ती लड़ूंगा, अब मैं कुश्ती नहीं दे सकता, तब आपने बोला था, उसके बाद आपने मेरे से बोलचाल बंद कर दी, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इजी गोल्ड आ जाएगा, एशियन गेम्स में आएगा नहीं। तो आप जो जनता में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आगे भी आदरणीय रहेंगे, तो ये जहर न फैलाएं। आप अगर आपको ब्रजभूषण की साइड बैठना तो खुल के बैठिए, ऐसे लोगों को छिपा छिपा के कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है लेटर दिखा देंगे, अगर आप बोलोगे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हमें बोलने का कोई शौक नहीं था, पर गलत ना फैलाएं, पर गलत ना फैलाएं, अगर आप बोलोगे तो हम सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे कि हम सिर्फ एक कुश्ती जीतना चाहते हैं, एक ट्रायल देना चाहते हैं, प्लीज गलत ना फैलाएं, अपनी लाइफ में हम बिना ट्रायल्स का भी नहीं गए हैं और ना ही किसी बच्चे का हक मारेंगे। हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर मत लेके आइए, हमारी लड़ाई ब्रज भूषण के साथ है, हम उसके साथ लड़ रहे हैं, अगर आप साथ नहीं दे सकते तो देश में जो जनता है उसमें जहर घोलने का काम बार बार बोल रहा हूँ ना करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सभी आप सब से एक और बात बता देती हूँ सब लास्ट में, हम इतने दिन तक सभी लोग पूछ रहे हैं हम चुप क्यों हैं, 15 तारीख तक का टाइम दिया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे 15 तारीख के बाद में, उन्होंने दाखिल कर दी है, लेकिन अभी तक हमें चार्जशीट नहीं मिली है कि चार्जशीट में लिखा क्या हुआ है एक्चुअल में, और हम उस चार्जशीट की वेट कर रहे हैं, लड़ाई हमारी जारी है, जारी रहेगी जब तक हम
न्याय नहीं ले लेते जब तक बलभूषण जेल में नहीं चला जाता। जो उसने कांड किए हैं, जो उसने शोषण किया लड़कियों का, उसके लिए उसको सजा नहीं मिल जाती। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे हम मैट के ऊपर हम अपनी लड़ाई जारी रखें, चाहे मैट के बाहर हम अपनी लड़ाई जारी रखें, चाहे मौत के बाद लड़ाई जारी रहे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। और हम चार्जशीट का वेट कर रहे हैं, जिस दिन चार्जशीट मिल जाएगी उस दिन पूरे देशवासियों के सामने आके हम बताएंगे कि अभी चार्जशीट में क्या है, हमें न्याय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। हम कोर्ट के थ्रू लड़ेंगे, हम रोड के ऊपर बैठेंगे, या हम अपनी जिंदगी दांव पे लगाएंगे। जिंदगी तो हमारी वैसे भी दांव पे लगी हुई है, लेकिन हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। हम इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे चार्जशीट नहीं मिली है, और हमारे वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उसके चार्जशीट मिले वो पढ़े और फिर वो बताएं कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा केस बनाया गया है, पुलिस ने ठीक से इंक्वायरी की है या सिर्फ ब्रजभूषण को बचाने का काम किया है, उसके हम वेट कर रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी है। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी, और आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें प्राउड फील होता है कि हम ऐसी चीज, हमें पूरा डर रहता था पहले कि हम मतलब लड़कियां क्यों नहीं बोल पाती है, कि पूरा समाज साथ में खड़ा नहीं होगा ऐसे मुद्दे के ऊपर, पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है। और ऐसे लोगों से बचिए जो समाज को तोड़ने का, जहर फैलाने का, अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं समाज को तोड़ के। और मेरा कुश्ती जगत से भी अनुरोध है, कभी कोई गलत काम करके हमने ये मेडल नहीं जीते हैं। अगर ये मेडल हमने गलत काम करके जीते होते ना, तो परमात्मा इतनी दूर हमें नहीं लेके आता। बहुत गरीब परिवार से आए हम, बहुत बहुत निचले लेवल से ऊपर उठ के आए हम, और अपने दम पे हैं आज भी। और हम इतने खुल के क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं योगेश्वर दत्त जी क्यों नहीं बोले उस टाइम पे, क्योंकि ये खुद नहीं, ये खुद क्योंकि वो इस ये गलत काम करते थे ना, इसमें लीन थे, क्योंकि उनके पर्चे खुल जाते। हम सही हैं, सही रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर गट्स है, हमारी आत्मा हमें पता है साफ है, साफ मन से पहलवानी की है, साफ मन से हमने ट्रायल दी है, साफ मन से हम खेले हैं। हमारे परिवार ने हमें संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए हैं, और हम हमेशा उसका पालन करेंगे। हमारे परिवार ने सिखाया बड़ों का सम्मान करना, आपका सम्मान करते आए हैं हमेशा, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आपका सम्मान हो, क्योंकि आप तो सिर्फ अपना की हम मुझे राजनीति करियर कैसे ठीक करे, कैसे मैं जीत सकता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ऐसे लोगों को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज का कोई भी वर्ग आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। बहन बेटियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषण जो देश में होता है उसके खिलाफ आपको तो गर्व होना चाहिए कि कुश्ती जगत में एक ऐसी आवाज उठी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी, जिस ब्रजभूषण से लोग डरते थे उसके खिलाफ हम अपनी जिंदगी की बाजी लगा के सामने खड़े हुए हैं। डरते नहीं हम किसी से भी, ना आपसे डरते ना ब्रजभूषण से डरते, इस दुनिया के किसी ताकत से नहीं डरते हम। इस देश ने हमें बोलने की आजादी दी है, और ऐसे शोषण के खिलाफ में हम चाहते हैं कि हमारे देश की जितनी भी बहन बेटियां हमेशा आवाज उठाएं, और आप जैसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारे इंसाफ लेके, और गलत पार्टी का दबा ना लगाएं। हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहेंगे, कुश्ती को जितना हम फायदा पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे। हमारे ऊपर गलत ना लगाएं कि कांग्रेसी है, ये है, वो है, दुनिया को सब सच्चाई पता चल चुकी है, धरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे कहाँ तक आया। तो हमें और अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, हमारी देश की जनता बहुत समझदार है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।